मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे दुख दरिद्र का नाश करने वाली भोलेनाथ की पौराणिक कथा। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है, जो भी भक्तगण इस कथा को शांत मन से भक्ति भाव से सुनता है तो उसकी जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। दरिद्र धनवान हो जाते हैं, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, भाग्य का द्वार खुलता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है? शिव जी माता पार्वती की कल्याणकारी कथा। यदि आपने यह कथा पूरे अंत तक सुन लिया तो यकीनन आपको अपनी परेशानियों का हल, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कथा को पूरे मन से सुने। पूरा सुनने से लाभ मिलता है और आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान होता है। साथ ही आप सभी भक्तगण वीडियो को एक लाइक करके ओम नमः शिवाय का जयकारा लगा दीजिए। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिव जी को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कभी न कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती थी कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं का पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अरे, मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब मैं अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो? प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपनी माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं उनकी मन में जो इच्छा रहती है भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रिय भक्तों, सोमदत्त की ये सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा के लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो भी मिलता उसमें ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारे तरह ही गरीबी में रहना होगा? प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की ये करुण पुकार
जब माता पार्वती ने सुना तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं? प्रभु, ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा कोई ब्राह्मण भी आपका पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त न हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैंने उनके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है, अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वो ब्राह्मण दंपत्ति विष्णु लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र हैं, उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। प्रिय भक्तगणों, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं, जहां दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर विराजमान थे, माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता ने साधु का भेष धारण कर पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाई और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला, उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु भेषधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो, तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो, तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक नहीं देखी हो। प्रिय भक्तगणों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधुओं को बताई। अब देखिए, अब अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना, वह फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी श्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था, उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, ये तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे, अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ, ऐसा कहकर तुरंत वह वहाँ से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुँच गया, उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है,
परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। प्रिय भक्तों, काफी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई, अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने हलकारे को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपने कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार से है। पहला शर्त, बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा शर्त, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरा शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि भोलेनाथ और विष्णु जी थे, उसे मुट्ठी भर धुनी की राख व पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है, क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है। यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकानेक तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं। ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत व अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर व लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर शिव जी ने शुक्र व शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दो बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा खाना खा गए हैं और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा,
कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के सेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के इस प्रकार के बातों को सुनकर सद्वाइन रूपी माता पार्वती, उन्होंने कहा, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्तगण मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएँ सुनी। उसने मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी के महिमा था जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भरा हुआ था और ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रति भगवान के कथाओं को सुना करती थी। एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे शिव पुराण में वर्णित शिव पार्वती संवाद कथा। प्रिय भक्तगणों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे मन में तीन प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मेरे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दें, मेरे मन के शंकाओं का समाधान कर दें, तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम अपने तीनों प्रश्नों को बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरे तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, स्त्री के कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से उसका पति से तलाक अर्थात दुराव हो जाता है। दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री का पति सदा धनवान रहता है। तीसरा प्रश्न, कौन से मनुष्य के भाग में धन होते हुए भी वह गरीब ही रह जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस कलयुग में स्त्री पुरुषों का वैवाहिक जीवन 7 जन्मों का तो दूर 7 दिन 7 महीने 7 साल तक भी नहीं टिकता। बहुत सारे स्त्री पुरुष अपने पवित्र वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। माता पार्वती की बातों को सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, मैं एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनकर आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर निश्चित ही मिल जाएंगे। इस प्रिय भक्तगणों, आपसे भी निवेदन है कि इस कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना पूरे अंत तक श्रवण करिएगा। मद्रास नामक स्थान पर बहुत समय पहले वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उस समय सरस्वती और लक्ष्मी की आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गाँव जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उसका गुजारा हो जाता था। ब्राह्मण की पत्नी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का लालन पालन
इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वो अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वे कहती, न जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। हे पार्वती, ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय और सूझबूझ वाले और सबसे तेजस्वी शिष्य को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य ने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाया। आसपास के गांव वालों को जब पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है, इस बारे में गांव के बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। हे पार्वती, वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहां दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्यों को लगा कि शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तो उस बुजुर्ग ने कहा, अभी मत पूछो कौन हूँ मैं, मुझे कुछ काम है, मुझे अंदर जाने दो। उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया। तो उस शिष्य ने कहा, ऐसे कैसे जाने दो, कम से कम अपना परिचय तो दीजिए, और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं। शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके हुए खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है भला। इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, आपने क्या लिखा उस नन्हे बच्चे के बारे में, मेरे गुरु भाई के बारे में? हे पार्वती, आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछा न छोड़ते देखकर ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है? तो मैंने यह लिखा है कि ये लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले, यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चला गया। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। हे पार्वती, कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफी धन कमाकर लाया था, अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, इसीलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन वह खुशी ज्यादा दिन तक न टिक सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का और कोई साधन न होने से एक बार फिर गरीबी आ गई। हे पार्वती, अब सुनो, अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। हे पार्वती, ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। सब कुछ वैसे ही फिर से चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज व जरूरी सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण
पहुंच गया था, जो अपने आप को विधाता बता रहा था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। हे पार्वती, जब वह ब्राह्मण भाग्य लिखकर बाहर निकले तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो? उस ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा भी काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हे पार्वती, इस प्रकार से चेहरे पर व्यंगात्मक मुस्कान लिए हुए ब्राह्मण ने कहा। तो शिष्य बोला, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा आपने? तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी ये सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने उस ब्राह्मण को वहां से भाग जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर ये सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन। हे पार्वती, मैं क्या कहूँ। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक साल, दो साल, तीन साल, करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि वह ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते उतनी बातें करते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे इसलिए संन्यास लेकर जंगल में चले गए। शिष्य भी ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित कर दिया। हे पार्वती, इस तरह 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया। शिष्य को अब लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। हे पार्वती, शिष्य जब जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ते हुए कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने कहा, भाई, मैं जा रहा हूँ, मगर जो मैं अभी तुम्हें जो दो बातें बताऊंगा उस बात का ध्यान रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखें तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उसे 100 सोने की मोहरे देकर जाने को बोलना, और जब वो 100 मोहरे तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। हे पार्वती, लड़के ने वैसा ही करने का वादा करके शिष्य को विदा किया और आश्रम में लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन गायें और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वायदे के अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्द ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिन में उसकी बहन के विवाह की उम्र हो गई। विवाह के लिए कई लोग लड़के से संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वादा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया, उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों ना अपने गुरु के परिवार को देख आए, देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। हे पार्वती, इसी विचार के साथ वह चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वहीं दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और एक पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखाई दिया। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं?
ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, आ गए जले पर नमक छिड़कने, देख लो यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता है कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। तो उस शिष्य ने कहा, मेरा चक्रव्यूह? महाराज आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं, फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ। शिष्य ने चुटकी लेते हुए उनसे कहा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूँ, मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। हे पार्वती, तब उस शिष्य ने कहा, महाराज झंझट से निकलना है तो ये उन दोनों की भाग्य रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते हैं कि ये कलयुग है, आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है, उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? शिष्य ने कहा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक इसी काम में फंसा रहूंगा मैं भी मजबूर हूँ। शिष्य ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ महाराज, अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा, अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। हे पार्वती, कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दिया और बोले, जाओ मिटा दी उनकी भाग्य की रेखाएं, तुम्हें उनका जैसा भी भाग्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं, नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए ब्राह्मण जो भाग्य था वहां से चला गया, जो खुद को विधाता बता रहा था। तो हे पार्वती, इससे ये सिद्ध हो गया कि मनुष्य जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हैं, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो वो हासिल नहीं कर सकते। परेशानियों में ही मनुष्य के सफलता का रहस्य छुपा होता है। ये तो मनुष्य के मानसिकता पर निर्भर करता है कि उनका जीवन कैसा होने वाला है। और पार्वती, आपने पूछा था ना कि उस भिखारी का भाग्य क्या है, तो वह भिखारी बुद्धिहीन है, उसके अंदर बुद्धि लेस मात्र भी नहीं है, इसीलिए आज वह भिखारी है। यदि उसमें बुद्धि होती तो वह उस आंगन को खुद ना खोदकर किसी अन्य से खुदवा कर उसमें से धन निकाल कर बाकी का धन अपने पास रखता और मेहनताना के रूप में उस खुदाई करने वाले को देता, और इस प्रकार वह धनवान बन जाता। किंतु बुद्धिहीन होने के कारण वह मरने के डर से खुदाई नहीं कर रहा है, वह अपने बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। यदि मनुष्य का भाग्य रूठा हुआ है तो भी कोशिश करने से अपने बुद्धि से वह अपने भविष्य को बदल सकता है। मनुष्य में अथाह क्षमता है कि वह अपने भाग्य को बदल दे, किंतु मनुष्य अपने भाग्य पर ही रोता रहता है, भाग्य भी उसकी परीक्षा लेता है। उस भिखारी को यदि धनवान बनाना है तो सबसे पहले उसे सद्बुद्धि दीजिए। प्रिय भक्तगणों, भोलेनाथ की बातें सुनकर माता पार्वती अति संतुष्ट हुईं। उन्होंने भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम किया, पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय